नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का मार्केट क्या हो सकता है वो थोड़ा बता देता हूँ। ये मेरा एनालिसिस है, ये बेवकूफ भी हो सकता है। आपको खुद का एनालिसिस करना है, बाद में ट्रेड करना है। मैं आपको ये क्यों कर रहा हूँ, आपको मतलब एक एक आइडिया देने के लिए, ओके, हाइपोथेसिस करने में उतना ही। फाइन, मैं कोई पंडित नहीं हूँ मार्केट का, मुझे जो नॉलेज है तो उसके हिसाब से मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस एंड ट्रेड। ओके, निफ्टी 50 का बात करें, ओके, मतलब मार्केट का बात करें, क्या हुआ है ये तो क्लियर कट अप ट्रेंड में था, इधर इधर भी, ओके, ऐसे इधर ऊपर गया था। कल इसमें लॉन्ग लेग में था, कल लॉन्ग लेग में था। मैं एक चीज कल का वीडियो में बताया था, अगर इसको अप लेग में रहना है, अप लेग में रहना है तो इट हैज टू क्रॉस दिस वन। ओके, ये तो नहीं हो पाया, ये तो अभी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में नहीं, डाउन लेग में है। ओके, लेग डाउन है। ओके, इसका मतलब है अगर सेल करना है तो कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, दिस इज अ ब्रेक इनसाइड कैंडल। मतलब इसमें इसमें जो ट्रेंड आप मार्क करते हो, इधर से नीचे आया था ना, इधर से इधर तक नीचे आया था, बाद में इधर हाइयर हाई कर दिया, मतलब ऐसे ऊपर गया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है ये जो कैंडल है ना, इसका हाई, इसका लो, बाद में इसका जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल है उधर से, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उधर से ब्रेक इनसाइड, मतलब रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। ओके, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। अभी मार्केट तो डाउन लेग में आ चुका है, डाउन लेग में आ चुका है। ओके, मतलब लोअर लो बन चुका है ना। अभी क्या है, ये ब्रेक इनसाइड कैंडल है। इसका मतलब है ये जो कैंडल में इसको सपोर्ट मिल सकता है रिटर्न घूमने के लिए। मार्केट आसान से नहीं गिर सकता है। अगर मार्केट को आज गिरना है तो इसके नीचे खुलना पड़ेगा, इसको इसके नीचे इसको खुलना पड़ेगा, इसको क्रैक करना पड़ेगा, नहीं तो इसको इसके नीचे खुलना पड़ेगा। क्या है लो 500.35, इसके नीचे खुलना पड़ेगा, उसके बाद एक फॉल आ सकता है। बाई तो नहीं करना है भाई, बाई नहीं होगा, बाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना। फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करोगे, दिस इज द मंथली हाई। ओके, इसका जो हाई वेटेज स्टॉक्स है सारे नीचे ही है, कोई स्टॉक्स ऊपर नहीं है, तो ये तो नीचे ही आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट तो स्ट्राइट लाइन में ऊपर नीचे करता है, तो दिस इज अ ब्रेकिंग चैनल। ये हमारे लिए डिसाइडिंग कैंडल है आज के लिए। अगर ये लेवल को टूटा, इसके नीचे खुला, तो फ्री फॉल हो सकता है शायद ये लेवल तक। ओके, मतलब इतना बड़ा टारगेट मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं है, लेकिन मतलब ये होता है, मतलब इधर भी एक लेवल है, पहला टारगेट ये हो सकता है, लेकिन अगर करना है तो ए लेवल तक ये इसमें फ्री फॉल आ सकता है। ओके, इसमें क्या और क्या चीज है, इधर हम जिगजैग को डालते हैं, इसका हाई कितना, -2, ऐसे आपके मतलब थोड़ा इसमें कर लेता हूँ। ये तो अभी डाउन लेग में आ चुका है, इसका मतलब है ये जो स्विंग है, मतलब अगर स्विंग का बात करें, ये जो स्विंग है इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ दिया ना, ये तो देखो इसमें क्या है, ये हाई बनाया था, ये लो बनाया था। ओके ओके, बाद में जब ये हाई बना, ये हाई को तोड़ के बाहर जाना चाहिए था, नहीं गया, इसका मतलब क्या है, ये लो तोड़ना चाहिए, ये तोड़ा है। ओके, ये लो तोड़ा है, मतलब ये सपोर्ट है। अगर हम 5 मिनट में अगर इसको देखते हैं, 5 मिनट में माइक्रो एनालिसिस में हम इसको देखते हैं, माइक्रो एनालिसिस में ये क्या किया है, मतलब ओके, मैं थोड़ा पीछे से लेके आता हूँ, इधर से इधर तक गिरा था, बाद में इधर तक उठा था, बाद में इधर तक गिरा है। इसका मतलब क्या है, ये लो टूट गया है। ओके, ये लो नीचे टूट गया एक एंगल में। अभी जो ये अपट्रेंड में गया है, कल ये ऊपर गया था, ये तो रिट्रेसमेंट है। ओके, जो भी है रिट्रेसमेंट है। अभी नीचे है ना, ये जो स्विंग को तोड़ना चाहिए नीचे। हाँ, मेरा हाइपोथेसिस मार्केट में बनता है डाउन साइड का, क्योंकि इसमें जो अपलेग शुरू हुआ था ये लेवल से,
ये लेवल से आप लेकर शुरू हुआ था ओके मतलब जो भी मार्क करते हो सो दिस इज हाउ द ऑप्टेंट स्टार्टेड ओके इफ दिस कम्स बिलो दिस बिकम्स मार्केट में एक हाइपोथेसिस कमिटेड है मार्केट किधर तक आ सकता है ओके तो ये चीज होना चाहिए तो शायद मेरा टारगेट ये हो सकता है ओके मतलब एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट होना मुश्किल है उसके पहले भी उसमें जो भी ये है व्हाट इज दैट क्या होता है स्टॉपेज पॉइंट्स है वो भी मैं बता दिया हूँ कि ये सारे इसका स्टॉपेज पॉइंट है भाई कोई नहीं है भाई इसको नहीं है तो इधर तक ये इसका स्टॉपेज पॉइंट है ये जोन है अगर ये एक ये जोन को होना नहीं किया ना इधर तक आएगा इसको भी तोड़ेगा शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो हाई है इधर तक आना चाहिए लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ओके ये था ये है आज का मार्केट ओके बाद में मेरा पास जो स्टॉक्स है हाँ और कोई स्टॉक्स नहीं चुना हूँ मैं जो मेरा पास स्टॉक्स पड़ा हुआ है उसी में ट्रेड करना है आज एक अच्छा खासा ट्रेड एचडीएफसी लाइफ का बात करें ओके एचडीएफसी लाइफ का बात करें दिस इज प्योर सेल ओके एक्चुअली 12th को इसका रिजल्ट आने वाला है आज दिस इज 10th राइट टुडे इज 10th ओके नाउ इसमें क्या हुआ है ये तो नीचे से गिर के आ रहा है ओके हाँ नीचे क्यों गया इतना बड़ा एनालिसिस नहीं चाहिए हमें फिर भी ये क्या है इधर से ये नीचे आ रहा था इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है अगर नीचे आ रहा है इसमें जो लास्ट टूटा हुआ कैंडल है ये वाला ये जो कैंडल है ये जो ट्रेंड में ये जो नीचे आया था ना ट्रेंड इसमें जो लास्ट टूटा हुआ कैंडल था ये कैंडल ओके अगर इसको अप ट्रेंड में रहना है इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए तब तक ये अप ट्रेंड में नहीं रह सकता है ओके ये तो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है ओके अभी क्या हुआ है इसके नीचे ये इसका शॉर्टफॉल मतलब ये तो डाउन ट्रेंड में ही है अगर डाउन ट्रेंड में ही है जब भी इसका रिजल्ट अनाउंस होगा ना सर 12th इज द रिजल्ट अगर रिजल्ट आते समय ये इसका जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स है वेयर इज द लेवल जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ओके इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर समय ओके 616 इसको हॉनर करना पड़ेगा हॉनर करना पड़ेगा इधर आएगा भाई देखना ओके 616 ये लास्ट क्वार्टर का जो लो है दैट इज द दैट आई हैव मार्क्ड एंड वन मोर थिंग ओके ये तो ये क्वार्टरली का हो गया ओके ये लेवल को तो रिविजिट करना ही है इसको ओके इधर तक तो आएगा डेफिनेटली आएगा हाँ अभी क्या है अगर मैं इन द ईयर ऑन ईयर का एनालिसिस करता हूँ ना मैं थोड़ा बड़ा इसमें कर लेता हूँ जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर था 2023 उसका जो हाई है टॉप पड़ा हुआ है इधर 602 पे ओके इसका हाई है 601 ओके फाइन तो ये लेवल्स पे इसको सपोर्ट मिल सकता है जब रिजल्ट आएगा ना ये लेवल को रिविजिट करना है भाई ये लेवल्स को मार्क करके रखना आपका चार्ट में बाद में देखना कि भाई क्या होता है इन नेक्स्ट 2 डेज क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ चुका है इसमें डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ चुका है बाद में अगर हम इंटरडे का बात करें देयर वाज अ लेवल हियर व्हिच वाज अ व्हाट वी कॉल अ 3P मतलब क्या बोलते हैं मतलब प्राइस अटका है इसके नीचे थोड़ा था अंदर घुसने की कोशिश है वही लेवल से रिजेक्ट कर रहा है अगर रिजेक्ट कर रहा है तो ये लो टूटना चाहिए लो टूटेगा तो क्या करेंगे हम ये तो एक छोटा छोटा टारगेट के लिए हम ट्रेड नहीं करते हैं मतलब ये लो 34 के लिए हम ट्रेड नहीं करते हैं तो अगर करना है ये स्विंग को भी तोड़ेगा वो जो फंडामेंटल लेवल है क्या लेवल था ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का एटलीस्ट वो हाई तक का वो लो तक का आना चाहिए 616 नहीं तो वो जो 600 है उधर तक भी आ सकता है क्योंकि और 2 दिन बचा है रिजल्ट्स के लिए तो वो लेवल पे आना चाहिए देखेंगे हाँ क्योंकि जब रिजल्ट्स होता है मैं जो 5 साल से कर रहा हूँ वो लेवल को रिविजिट करेगा पीछे भी किया है आगे भी करेगा आज भी करेगा फाइन एक स्टॉक है HDFC लाइफ सेकंड है HDFC बैंक में अगर आज फॉल आ गया क्योंकि विद वॉल्यूम नीचे गिरा है भाई नहीं करना है तो ये लेवल्स इसमें हॉनर होगा मतलब ये जो लेवल्स है 615 मतलब ये कैंडल्स इसमें इसका लेवल्स हॉनर होना चाहिए 615 बाद में और कौन सा है भारतीय एयरटेल में शॉर्ट है एज पर 3G छोड़ दो क्या है बजाज फाइनेंस भी शॉर्ट है शॉर्ट करना है रिलायंस में भी एक मिल सकता है ट्रेडर लेकिन ना उसका एक प्रॉब्लम है कि भाई ये जो लेवल्स है ये लेवल्स इसको हर्डल मिल सकता है लेकिन तोड़ना है देखेंगे हाउ इट वर्क्स टुडे इफ नॉट कल या परसों इसमें एक और फिर एक बार एक ट्रेडो मिल सकता है इसमें ओके हाइपोथेसिस तो सही है हाँ फाइन ये लेवल्स है अगर
देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आता है ट्रेड करने के लिए। मुझे क्या है मतलब देखो इस हिस्टोरिकल लेवल घंटा लेवल उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, क्या करना है लाइव मार्केट देखो, स्ट्रक्चर पैटर्न एक्शन, स्ट्रक्चर इज लोअर लो पैटर्न। अगर मुझे सेल करना है ब्रेक इनसाइड मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस पे जाएगा, दुनिया भर का रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है इधर, मुझे वेट करना है वो रेजिस्टेंस को हिट करके पैटर्न को मतलब क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना पैटर्न, हाँ वो बनेगा उसको कंफर्म करके मुझे ट्रेड करना है, उतना है और कुछ नहीं है। ये लेवल है वो लेवल है, हाँ क्या लेवल है, हिस्टोरिकल लेवल है, सीक्रेट लेवल है, घंटा लेवल है, कुछ नहीं है मार्केट में। ओके हाँ मतलब वो लेवल से रिएक्शन आएगा, हाँ लेकिन वो लेवल से रिएक्शन आते वक्त क्या होगा उसमें सिम्टम्स दिखाएगा, उसको कंफर्मेशन बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। वो उसका वीडियो मैं एक बार डाल दूंगा, उसे कैसे कंफर्म करना है बोलते, वो कंफर्म करके मुझे ट्रेड इसमें लेना है। ओके ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है मैं सारे वीडियो डाला हूँ यूट्यूब में, देख लो उसमें आपको समझ में जाएगा। कन्फ्यूजन है वो सिंपल रखना है मार्केट को। ओके अगर मिला तो मिला, नहीं तो कल मिलेगा भाई, उसमें क्या है ना ट्रेड कल मिलेगा है ना। हाँ तो ऐसा है, तो मार्केट शॉर्टफॉल है ओपनिंग मैटर करेगा भाई, ओपनिंग मैटर करेगा समझ लो ना, ओपनिंग मैटर करेगा इसका जो ओपनिंग है। अगर गिरना भी है अगर इधर खुला थोड़ा ऊपर चले, क्या क्योंकि अभी क्या है दिस लेवल इज ब्रेक इन सेट लेवल, इसके अंदर घुसना मुश्किल का बात है। अगर इसके अंदर भी खुला इधर तक जाकर वेट करना है मुझे, पता नहीं है 11 o'clock 12 o'clock 1 o'clock कब ये इधर लेवल पे जाएगा अगर इसके अंदर खुला तो। हाँ तो इधर तक जाके इधर मॉनिटर असेस करना पड़ेगा कि भाई क्या इधर से गिर सकता है, मेरा हाइपोथेसिस के हिसाब से कुछ हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, नहीं तो आपका कैपिटल को क्या है सेव करके रखना है। हाँ चलो भाई मिलते हैं, ये था आज का ट्रेड जो भी है, वो बहुत सारे स्टॉक से मतलब जो पता है उसी में करेंगे। हाँ क्या है दुनिया भर के स्टॉक्स को भी पिक करके ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई चीज नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली उठा के मैं इसमें ट्रेड्स कर रहा हूँ मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मिलेगा तो मिलेगा फाइन, नहीं तो स्टॉक सिलेक्शन भी करके मतलब एक मेथड से। ओके मतलब टॉप गेनर है टॉप लूजर है वो लेवल को भी करके आप कर सकते हो। मैं ये भी क्या नेक्स्ट वीक से उसका सीरीज बना दूंगा, कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया था मैंने, क्या हाइपोथेसिस है, किधर से गिर सकते हैं, वो लेवल भी आपको मैं लाइव मार्केट में बताने का कोशिश करता हूँ। ये था मेरा एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करो, ये मेरा बेवकूफ भी हो सकता है। हाँ कोई ऑप्शन ट्रेड मत करना, रोड पे आ जाओगे सर बिना नॉलेज। हाँ टेक केयर।